अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू एग्जांपल 7.4 व्हिच इज़ रिलेटेड टू अवर अबव टॉपिक इन व्हिच वी हैव रीड अबाउट अ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन दिस एग्जांपल वी विल नाउ यूज़ द फार्मूला ऑफ अवर अबव टॉपिक। नाउ द वेट ऑफ मेटल स्पून इन एयर इज़ 0.48 न्यूटन। वो कह रहे हैं कि जो मेटल स्पून का वेट है हवा में वो है 0.48 न्यूटन। इट्स वेट इन वाटर इज़ 0.42 न्यूटन, लेकिन इसका जो वाटर में वेट है वो हमारे पास है 0.42 न्यूटन। फाइंड इट्स डेंसिटी। अब हमने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि उसकी डेंसिटी क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम उसका डाटा लिखते हैं कि इस एग्जांपल में हमें क्या क्या चीज़ बताई हुई है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेट ऑफ स्पून इन एयर W1, कि वेट ऑफ स्पून जो हमारे पास एयर में है W1 वो है 0.48 न्यूटन। ठीक, अब वेट ऑफ स्पून इन वाटर को हमने मेंशन कर दिया है W2 से, जो हमारे पास है 0.4842 न्यूटन। ठीक, अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि हमारे पास ऑलवेज कांस्टेंट होती है रो की वैल्यू 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब डेंसिटी ऑफ स्पून हमने फाइंड आउट करनी है। अब डेंसिटी ऑफ स्पून फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ वाटर का पता होना ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारे फार्मूला में गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब अबव टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसमें हमें फार्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू W1 यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय W1 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस W2 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर मल्टीप्लाई रो यानी रो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम D इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, W1 यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेट ऑफ स्पून इन एयर जो था 0.48 न्यूटन था, उसके बाद वेट ऑफ स्पून इन एयर 0.4 न्यूटन माइनस 0.42 न्यूटन वेट ऑफ स्पून इन वाटर मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि n को कॉमन ले लिया, ये भी n है हमारे पास और ये भी n है, यहाँ पे हमने n को कॉमन ले लिया, दोनों n को कट कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, 0.48 माइनस 0.42 को माइनस करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ठीक, अब 0.48 डिवाइडेड बाय 0.06 करेंगे, हमारे पास आएगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब से, तो हमारे पास 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस डेंसिटी ऑफ एन स्पून आ जाएगा।